SBI 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बेहद ही नजदीक है, डेढ़ महीने का भी समय नहीं रहा और ऐसे में इस चुनावी माहौल के बीच में बड़ा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस खास रिपोर्ट के जरिए चलिए हम आपको बताते कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त क्या नए समीकरण बन रहे हैं और एग्जिट पोल जो है वो क्या कुछ कह रही है हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर के। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य पंजाब में क्लीन स्वीप कर चुकी आम आदमी पार्टी का फोकस राज्य पर है, वहीं बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई है। बीजेपी के हाथों सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस फिर से अपना गढ़ वापस पाने की कोशिश में है। चुनावी तैयारियों के बीच आप बता दें कि सी वोटर सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक राज्य में फिर से कमल खिलेगा। सभी पार्टियां हिमाचल प्रदेश चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी के बड़े नेता रैलियों में लगे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के कई दौरे कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी राज्य में सक्रिय है। नेताओं ने टिकट के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार किसकी सरकार आएगी, इस पर जो जवाब मिला उसके तहत फिलहाल राज्य में बीजेपी की वापसी करती नजर आ रही है। सर्वे में 46% लोगों ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच का गैप 10% का है, मतलब 36% लोगों ने सर्वे में माना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में सत्ता का ख्वाब दिखा रही आम आदमी पार्टी को इस लड़ाई से दूर माना जा रहा है। महज 8% लोगों का मानना है कि हिमाचल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप मुख्यमंत्री बनाएगी। वही 3% लोगों ने त्रिशुंक विधानसभा की संभावना जताई है। तो देखा आपने किस तरीके से आम आदमी पार्टी की जगह जहां वो हुंकार भर रही थी और ये दावे कर रही थी कि हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ी जीत करेगी, वहीं पर सी वोटर्स के सर्वे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश की सत्ता से कहीं बाहर नहीं जा रही। अब ऐसे में दो राज्यों में एक साथ अरविंद केजरीवाल को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBI 9 न्यूज़।